असल एवरी सो इन दिस वीडियो वे आर गोइंग टू डू हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म ठीक है हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म का क्या मतलब है uh, कि हमारे पास एल्डिसन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है अब एल्डिसन uh, कहाँ से रिलीज़ होता है मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हमारे पास जोना uh, ग्लोमेरोलोजा होता है उससे मिनरेलो कोटिकॉइज रिलीज होते हैं ठीक है मिनरेलो कोटिकॉइडस में क्या आते हैं मेनली एल्डोस्टर वगैरह ये आता है ठीक है अच्छा अब अल्टेस्टोन का जब लेवल ज़्यादा हो जाता है ना तो इसकी दो टाइप्स होती हैं या तो प्राइमरी होते हैं या तो सेकेंडरी होता है ठीक है प्राइमरी में क्या होता है प्राइमरी में अल्टस्टुर का तो लेवल ज़्यादा हो जाता है लेकिन रेनिन का ले, लेवल इनकम्पनसेटरी मैकेनिज्म कम हो जाता है ठीक है अच्छा अब प्राइमरी की कॉजे क्या हो सकती हैं ठीक है ठीके? या तो बाइलेट्रली एडियोपैथिक्ली uh, हो जाए ठीक है या तो एडिनोमा हो जाए ठीक है um, उस एड्रील कॉटिक्स का बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ द एल्डोस्टिर जिसको आप कौन थेड्रोम कहते हो इसके अलावा कार्सिनोम वगैरह होते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा फेमिलियल uh, जो है वो हमारे पास हाइपर uh, प्लेजियास भी होते हैं ठीक है एंड फेमीलिय बिकॉज ऑफ देशन ऑफ द एल्डोस्टिर जीन एंड सी वाई पी एलेवन बी टू ठीक है फेमिलियल किसकी वजह से और एक्टिवेशन ऑफ द एल्डस्टोर संतेज जीन एंड सी वाई पी एलेवन बी टू ठीक है अब सेकेंडरी की अगर हम बात करें ना तो सेकेंडरी में हमारे पास uh, जो है वो एल्डस्टोर uh, का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है और रेनिन का लेवल भी ज़्यादा होता है अब इसकी कॉजेज़ की अगर आप बात करो ना तो क्या होता है कि अगर रीनल की परफ्यूजन कम हो ठीक है मतलब या कोई स्क्लेरोसिस है या स्टिनोसिस है ठीक है या इसके अलावा जो है हमारे पास हाइपो वगैरह या एडेमा वगैरह है ठीक है या इसके अलावा जो है ना प्रेगनेंसी की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी अल्टस्टुर का लेवल ज़्यादा हो जाता है ठीक है अच्छा अब आप क्लिनिकल फीचर्स की जब बात करो ना तो अल्टस्टुर का लेवल ऑब्वियसली जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास हाइपर नेट्रीमिया होगा हाइपोकलीमिया होगा और हमारे पास हाइपर टेंशन होगी ठीक है अच्छा इसके बाद हम आते हैं एड्रीनोजेनेटल सिंड्रोम पे ठीक है एड्रीनोजेनेटल सेंड्रोम में क्या होता है इसमें हमारे पास मेनली सेक्स हारमोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ठीक है और सेक्स हारमोन में कौन से, से, से सेक्स हारमोन वो हारमोन जो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा से बनते हैं ठीक है मेनली ना सॉरी जो हार वो हारमोन्स जो मेनली जोना रेटिकुलरस से बनते हैं ठीक है अच्छा अब इसमें कौन से हारमोन्स होते हैं एक हमारे पास है डी हाइड्रो और एंडस्ट्रीनी डायन ठीक है अच्छा इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये हारमोन्स तो बन जाते हैं अब ये पैराफ्रेली कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन में ठीक है अब कॉजे क्या होती हैं एडिनोजेनेटल सिंड्रोम की रिनोजैनिटल सिंड्रोम की कॉजेज़ में यह हो सकता है या तो हमारे पास कोई ए सी टी एच का लेवल ज़्यादा हो गया ठीक है या तो कोई न्यूप्लाज्म न्यूप्लाज्म है मेनली बिनाइन भी हो सकता है मिलेगन भी हो सकता है या तो हमारे पास कंजेनेटल एड्रीनल हाइपरपलेशिया है ठीक है कंजेनेटल एड्रीनल हाइपरपलेशिया ठीक है अच्छा कॉजेज़ दोबारा बता देता हूँ ए सी का लेवल ज़्यादा हो गया या तो आपको कोई न्यूप्लाजम है या तो कंजेनेटल एड्रीनल हाइपरपलेशिया है ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं कंजेनेटल कंजेनेटल एड्रीनल हाइपर अब कंजेनेटल एड्रीनल हाइपरपलेशा जो होता है इसमें हमारे पास मेनली एक जीन की डेफिशेंसी होती है ठीक है मेनली जीन का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ठीक है कौन सा जीन होता है सी वाई पी ट्वेंटी वन ए टू ठीक है इसका डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज इंजाइम जो होता है ना अल्फ़ा ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज एंजाइम ठीक है उसकी डेफिशिएंसी होती है ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास Uh, मैं बताता हूँ देखो एक फॉर एग्जांपल ये, ये कोलेस्ट्रॉल है ना तो कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बनते हैं मिनरलो कोटिकॉइड सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं ठीक है अब ये जो एंजाइम है ना ट्वेंटी वन ये हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलो कॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इस एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाएगी ठीक है तो ये हार्मोन्स तो नहीं बनेंगे तो जितना जितना सारा कोलेस्ट्रॉल होगा ना उसकी सारा का सारा जो है वो कन्वर्ट होना जाएगा सेक्स हार्मोन में ठीक है सेक्स हार्मोन में सारा का सारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे हार्मोन तो बन ही नहीं रहे ठीक है एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द ट्यूमर और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ए सी टी एच और बिकॉज कॉन्जेरल एड्रीनल हाइपरप्रेशियर ठीक है अच्छा अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है फीमेल में मेल करेक्टर्स आ जाते हैं मेल में जो है वो और भी इनहेंस हो जाते हैं फीमेल में क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो होती है वो हमारे पास बहुत मेनली मैनली वॉइस हो जाती है हरसुटिज़म वगैरह होता है कोलाइटोर्स जो होते हैं लार्ज हो जाता है इसके अलावा उसकी बॉडी पर हेयर आना शुरू हो जाते हैं उसकी स्किन जो होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है ठीक है अच्छा मेल में क्या होता है मेल में उसके एक्सटर्नल जेनेटेरिया बहुत ज़्यादा इलार्ज हो जाते हैं इसके अलावा प्यूबर्टी जो होती है वो जल्दी आना शुरू हो जाती है इसके अलावा बॉडी हेयर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है अच्छा अगर आप मोर्फोलॉजी की बात कर करो ना एड्रीनोजेनेटल सिंड्रोम में तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइपरप्लेशिया होता है बाइलेट्रली ठीक है फिर इसके बाद कॉर्टेक्स जो होता है ना वो हमारे पास ब्राउन कलर का होता है एंड थिक नोड्यूलर होता है ठीक है क्या होता है हाइपरप्लेशिया ऑफ द एड्रीनल बाइलेट्रली हाइपरप्लेशिया होता है एड्रीनल का बाइलेट्रली ठीक है फिर कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है एंड थिक नोड्यूलर ठीक है फिर हमारे पास एड्रीनोजेनेटल डिस्प्लेजिया इन सोल्ट लूजिंग ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज डिफिशियंसी ठीक है मेनली क्या होता है कि हमारे पास ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज की डिफिशियंसी होती है ठीक है और इनकम्प्लीट माइग्रेशन ऑफ क्रोमोफेन सेल इन सेंटर ऑफ द ग्लैंड ठीक है अच्छा मोटॉलॉजी दोबारा आपको बता देता हूँ ठीक है इसमें एक होता है हाईपरप्लेजर ऑफ द ग्लैंड ठीक है ग्लैंड का हाइपरप्लेजा होता है ठीक है इसके अलावा कॉटक जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है ठीक है और एडीनलोल जेनेटल डिस्प्लेजा हो जाता है जिसमें हमारे पास ट्वेंटी वन हाइड्रोक्सीज की डिफिशियंसी होती है ठीक है